नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रतन चौहान और आप देख रहे हैं आरआर ज्ञान अपडेट 2.0 चैनल। दोस्तों, जब शेयर मार्केट को स्टार्ट करते हैं, अगर हम शेयर मार्केट को स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत थोड़े पैसे से शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थोड़े से पैसे शुरू करिए आप और आगे आपका जैसे भरोसा बढ़ेगा तो आप अच्छे और पैसे लगाइए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा पैसा मेरे पास तो है तो मैं छोटे ही शेयर खरीदता हूं, यानी ₹1, ₹2, ₹1, ₹5, ठीक है, ₹10 वाला शेयर, ऐसे शेयर खरीदते हैं कि क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए। तो यह क्या खरीदना चाहिए, क्या उचित है या अनुचित है, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को ठोंक के दबाएं। तो दोस्तों, ऐसा है कि जैसा कि लोगों की सोच होती है कि अगर मैं ₹2 का शेयर ले रहा हूं या इवन ₹5 का शेयर ले रहा हूं, तो अगर ₹1 भी बढ़ेगा, अगर मान लो 5 का 6 हो जाएगा तो मेरे पास 500 शेयर हैं, तो मेरा ₹500 तैयार हो जाएगा तुरंत, ऐसी सोच होती है। लेकिन वो इन शेयरों के बारे में नहीं देखते, इनका फंडामेंट एनालाइज नहीं करते कि ये शेयर क्या है, वो लोग इन शेयरों का बारे में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते, इनका चार्ट नहीं देखते, यहां गलती कर देते हैं। सिर्फ वो ये देखते हैं कि शेयर ये सस्ता है और इसको मैं ले लूं, यहीं पर फंस जाते हैं लोग, यहीं पर फंस जाते हैं लोग सस्ते शेयर के चक्कर में। अब वो शेयर एक जो ₹5 है, वो ₹5 5 पैसा का भी होगा, कभी ₹5 10 पैसा होगा, या कभी ₹3 चला गया तो फिर मुड़ के ऊपर जाने का नाम नहीं लेगा वो शेयर, ठीक है। तो मेरा जहां तक आपसे रिक्वेस्ट है, बल्कि कि आप ऐसे शेयरों के चक्कर में ना पड़े जो आप ये सोचेंगे कि मेरा 1 का 2 हो जाएगा तो सीधे ये मेरा पैसा डबल हो जाएगा। आपको ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग में आई है, ये कोई बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं तो बहुत बड़ा, मतलब कि ये दिमाग मेरा काम करेगा, 1 का 2 होते ही डबल हो जाएगा। ये बहुत लोग और भी सोच सकते हैं कि इसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख शेयर खरीद दें और डायरेक्ट 1 मिनट में 1 लाख 2 लाख उनका बन जाए, लेकिन फिर भी वो लोग उनसे दूर रहते हैं जो पुराने जो भी शेयर मार्केट होल्डिंग करने वाले हैं। दूसरी बात, इसमें फिर होता क्या है कि इन शेयरों में स्कैम भी एक होता है। वो स्कैम क्या होता है कि मान लीजिए कोई शेयर ₹5 का है, अब जो जिसको मतलब कि इसमें कमाना है वो क्या करेगा और लोगों को फंसाना है, वो क्या करेगा कि जाएगा उनके पास में, कहेगा भाई मैं तेरे शेयर में पैसा लगा रहा हूं और अब ये प्रचार करना है कि ये बहुत बड़ा बुल, बिग बुल ने पैसा लगाया इसमें। बिग बुल का नाम लूं तो जैसे राकेश झुनझुनवाला, बहुत लोग हैं और कोई किसका किसका नाम जोड़िए, तो वो लोग पैसा लगा रहे हैं इसमें, फलाना कंपनी इसमें पैसा लगा रही है और इसका ये प्लांट वो प्लांट वो प्लांट बन रहा है, टीवी न्यूज में, यूट्यूब पर उनके दुनिया भर के यूट्यूबर एक्टिव हो जाएंगे कि शेयर को खरीद लीजिए आप, नहीं तो आप पछताएंगे, और वो शेयर 5 से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने पैसा लगा दिया, अभी कोई भी DI होगा पैसा लगा दिया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, अब वो शेयर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप देखो कि यार ये शेयर 5 का था आज 10 का हो गया, अरे देखते देखते 11 का हो गया, 15 का हो गया, इस शेयर को फटाफट ले लेता हूं,
आप उस शेयर को 15 रुपया में ले लेंगे। अब बेच कौन रहा है? जिसने यहां खरीदा, जिसने यहां पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर किया था ये डीआई ने, वो जो है 15 रुपया में ये अपना शेयर 15 रुपया में आपको बेच रहा है, ठीक है। तो जो उसने 5 रुपए का शेयर खरीदा था वो 15 रुपए में एक शेयर बेच रहा है, मतलब हर शेयर पे आपको 10 रुपए आपसे प्रॉफिट ले रहा है। अभी और आगे चलेगा वो मामला, फिर और मामला आगे चलेगा, 20 हो जाएगा, फिर ये और अपना शेयर बेचेगा। जैसे इसका पूरा शेयर बिक जाएगा, जैसे इस आदमी का पूरा शेयर बिक जाएगा, ये अपना पैसा निकाल के वापस कर लेगा। अभी यहां के बाद उस शेयर में कोई खरीदार नहीं है, अब किसको ये बेचे? मार्केट ग्राम दे 4 पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, ठीक है। मार्केट तुरंत जो है 5 को छोड़िए, 3 पे आ जाएगी, 2 पे आएगी। अब आप उठने का इंतजार करेंगे 2 साल 4 साल 5 साल तक उठने का इंतजार करते रहेंगे, और फिर अपना माथा पीटते रहेंगे। मेरा एक फ्रेंड है, वो वीडियो को देखेगा, तो मैंने उसको बताया था एक बार ऐसी, मैं कहा भाई ऐसा कर तू कि ठीक है तू लालच में पड़ा हुआ, बढ़िया है, कोई बात नहीं। उसने भी ऐसे सस्ते में खरीदा था, आगे शेयर चला गया, कह रहा कि मेरा यार रोज का इतना पैसा बन रहा है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, काम कर तू, अभी स्टॉप लॉस लगा हुआ थे। कहने यार जा रहा है यार, बहुत बढ़िया शेयर है यार, तू भी ले ले। मैं कहा ठीक है तू ही कमा ले, पहले तू कमा ले, बाद में मैं कमा लूंगा। कहा कि तू, मैंने कहा कि तू ठीक है बेच मत, पहले तो अगर तू मेरी बात मान तो उस शेयर को आधा से ज्यादा बेच दे, कुछ शेयर तू रख कि हाँ आगे जाएगा तो बाद में बेच देना। लेकिन उसने नहीं माना, ना तो उसने स्टॉप लॉस लगाया और ना तो उसने बेचा। कहानी वही हुई कि जैसे 20 तक गया, अब इसका 5 का माल 20 में इसने बेचा और मार्केट ग्राम दे यहां आ गई 3 पर, गड़गड़ गड़गड़ नीचे डाउन होती होते 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 खत्म। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है कि प्लीज, कहते हैं महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, तो महंगा आप खरीदोगे, बेशक आपके पास अगर 10,000 रुपया है और बढ़िया स्टॉक आप खरीदोगे, 4-5 स्टॉक ही आपने खरीदा, आपका वो पोटेंशियल ग्रोथ करेगा। मैं मानता हूं कि फर्स्ट में आप ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत एक ऐसे शेयर है जो सस्ते भी हैं और बहुत ही मजबूत भी, बता भी देता हूं मैं, नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बता रहा हूं। अब टाटा स्टील है, जैसे 110 का समथिंग रेट अभी चल रहा है टाटा स्टील का, उसमें आप पैसा लगाइए, आपको 10-5-20 शेयर जितना खरीद सकते हैं उतना खरीदिए, आपसे खरीद को आप उसको छोड़िए 5-6 महीने के लिए, ग्रोथ जब करता है निकालिए आप, फिर आपका कॉन्फिडेंस होता है, फिर आप आगे लगाएं पैसा, ज्यादा बढ़ के लगाएं। घटने को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाटा स्टील नहीं घटेगा, टाटा स्टील बीच में 14 गया था, अभी 10 पे आया है, 11 पे आया है, तो घटेंगे सारे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो पंपिंग डंपिंग वाला सिस्टम है, इसको कहते हैं पंपिंग एंड डंपिंग, तो मैं भूल गया था, इसको कहते हैं, ये आदमी इसको पंप करके यहां ले जा रहा है और फिर इसने शेयर बेचा, डंप हो गया यहां पे, इसको कहते हैं पंपिंग एंड डंपिंग, ये भी एक तरीके से स्कीम है। खैर सेबी इन सब चीजों पे बहुत पैनी नजर अपना रखती है, इन सब चीजों पर पैनी नजर रखती है, लेकिन हाँ अगर सस्ता शेयर है, मैं मानता हूं सस्ता शेयर आप मत खरीदिए, लेकिन उसमें देखिए ना ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इसमें कितनी अच्छी है, कब की कंपनी रजिस्टर्ड है, ऐसा तो नहीं 6 महीना पहले रजिस्टर्ड हो रही कंपनी, बम 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 करके जा रही है, क्यों जा रही है बम बम करके, ऐसा क्या हो गया उसमें, रॉकेट लग गया भाई, आप उसको चेक करिए ना, ऐसा कौन सा रॉकेट फिट हो गया कि वो जा रही है दंदराते हुए ऊपर। सिर्फ कोई पैसा आके इसमें लगा रहा है उसकी वजह से जा रही है कि इसका खुद का कुछ पोटेंशियल है, खुद का कुछ कारोबार है उसका, आप इस चीज को चेक करिए उसका कारोबार है कि नहीं है कुछ। अब जैसे मैं टाटा स्टील का नाम ले रहा हूं, टाटा स्टील को कौन नहीं जानता सर, टाटा मोटर को कौन नहीं जानता,
रिलायंस को कौन ही जानता, ठीक है। मैं ये नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, अगर खराब था उस पर भी आप खरीदोगे तो भी आपको घाटा देगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो उसमें दम वाली बात मैं कर रहा हूं, इसमें जिसका आपने नाम ही नहीं कभी सुना उसका शेयर आप खरीदें, शेयर खरीदने के लिए तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल आप कौन सी चला रहे हैं, कौन सी किसकी मार्केट है, आप उसका शेयर लीजिए। कार का किसकी देखिए किसकी ज्यादा बिक रही है, आप उसका शेयर कार में लीजिए। पेंट किसका बढ़िया है, सबसे बढ़िया पेंट किसका है, आप उसका लीजिए। शेयर खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपकी नजरों में कौन सा बेस्ट है उसको लीजिए आप, उस शेयर कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो आज तक के लिए बस यहीं तक था। आप शायद मैं यकीन करूंगा कि आप जो है इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।